So now we. Red light, what do you say? I say stop and stop right away. Yellow light, what do you mean? It means wait till the light is green. Green light, what do you say? I say go and go right away. इसके बारे में बच्चों आपको पता चल गया होगा कि रेड लाइट का क्या मतलब होता है। अगर आप सड़क से जा रहे हैं और वहाँ पर ट्रैफिक रूल्स होते हैं, उसमें लाइट लगी हुई है सड़क पे, तो रेड लाइट का मतलब क्या होता है कि आपको अपना वाहन जो है वो रोकना है, आपको स्टॉप करना है वहाँ पर। उसके बाद अगर येलो लाइट हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ी देर वेट करें जब तक कि ग्रीन लाइट ऑन नहीं हो जाती, और जो नेक्स्ट हमारी लाइट है वो क्या है, ग्रीन लाइट। और जब ग्रीन लाइट हो जाती है, बत्ती जो है हरी हो जाती है, उसके बाद क्या है, आपको चलना होता है। तो ये क्या है, हमारे ट्रैफिक रूल्स में लाइट का जो पैटर्न है कि जो लाइट लगी होती है उनके क्या मायने होते हैं। और अगर हम रूल फॉलो ना करेंगे तो क्या होता है, चालान होता है, आपको गाड़ी चलाने से रोक भी लिया जाता है, आपको कोर्ट में भी जाना पड़ सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। तो हम बिल्कुल कभी रूल नहीं तोड़ेंगे, ठीक है ना? सर एक्सीडेंट तो हो सकता है। हाँ एक्सीडेंट तो होगा ही, बिल्कुल पास बेटा, वो जरूर होगा। ये रेड येलो ग्रीन क्यों जरूरत पड़ी, क्या समझते हो आप, लाइट दिखाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि आपको पता है भागम भाग में हम एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में लगे रहते हैं, ट्रैफिक सिग्नल सब छोड़ देते हैं आगे जाने की होड़ में। तो आपको पता है कि क्या जरूरत पड़ी, ऐसी क्या जरूरत काम पड़ी कि हमें सिग्नल यूज करने पड़े जगह जगह पर? नहीं पता सर। पता है बच्चों कुछ? नहीं पता। तो बेटा आपने देखा होगा, आप जब भी जाते हो सफर करते हो तो वहाँ पर भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, बड़े बड़े शहरों में वहाँ पे बत्तियाँ होती हैं, बोलते हैं ना बत्ती पे गाड़ी रोक दी जाती है और वहाँ पे वो बड़े जाम भी लग जाते हैं। तो क्या होता है फिर, सबसे पहले रेड सिग्नल होता है तो रेड सिग्नल पर सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं उस देर के लिए। जब हम सफर करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो देखते हैं खिड़की से बाहर भी, और वो सामने लाइटें हमें दिखती हैं, फिर सिग्नल आता है येलो का, इसका मतलब होता है कि आप अब तैयार हो जाओ, सभी अपनी गाड़ियां स्टार्ट कर लेते हैं। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद साथ में वो भी चलती रहती हैं, मिनट से मीटर चलता रहता है, वो क्या हो गया उसको वन टू थ्री कुछ ऐसा टाइम ही आती रहती है। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही रेड सिग्नल होता है सभी गाड़ियाँ चलना शुरू हो जाती हैं और वो लाइटें क्रॉस कर देते हैं। तो आपको शायद जिंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस अगर अब नहीं है तो हो जाएगा। मुझे लगता है गलत बताया जाए, ग्रीन लाइट गलत बताया जाए, सॉरी हमारे साथ हो ना आप लोग भी, और ये तीन जो हमारे बच्चे हैं ये इसको एक्ट करेंगे।
टैडी बियर है, इनको टैडी बियर समझे, जो सा भी अच्छा लगे उसको ध्यान से देख लीजिए। टैडी बियर का आराम, टैडी बियर टैडी बियर का आराम, टैडी बियर पॉलिश योर शूज, टैडी बियर ऑफ टू स्कूल। कैसी लगी आपको पोएम ये? तो ये क्या हो गया, टैडी बियर के बारे में आप पहले जानते थे और टैडी बियर के ऊपर एक पोएम आपने अब सीख ली। अब जब भी टैडी बियर के साथ खेलोगे तो ये पोएम भी आप साथ में रिसाइट करोगे, यानी कि गुनगुनाओगे। ठीक है बच्चों।